हे गाइस, वेलकम टू ऑटो फ्रिक इंडिया। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट खरीदने के फायदे बताए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाकर जरूर देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्विफ्ट खरीदने के नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो है, इस कार में कई सारे फीचर्स मिसिंग है जो कि हमने न्यू फेसलिफ्ट वेरिएंट से एक्सपेक्ट किए थे, पर वो ऑफर नहीं किए गए। सबसे पहले, स्विफ्ट में रियर एसी वेंट्स आज भी हमें ऑफर नहीं किए जाते। मारुति को ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए थी कि एक वेंट ही तो देना है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी थी। अगर उन्होंने पीछे एक एसी वेंट दिया होता तो पीछे बैठने वालों को और थोड़ा कम्फर्ट मिल जाता और गाड़ी की जो कूलिंग है वो भी जल्दी हो जाती। दोस्तों, इस कार में प्रोजेक्टर हेडलैम्प सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलता है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि नीचे वाले वेरिएंट्स में भी ये ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि हमें बलेनो के नीचे वाले वेरिएंट्स में भी देखने को मिलते हैं। इस कार में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलता है। और अगर आपको सिंपली बोलूँ तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए हो तो आपको स्विफ्ट का ZXi या फिर ZXi प्लस वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। इसलिए स्विफ्ट का जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जिसकी नीड होती है, तो वो है VXi वेरिएंट, जिसे आप 7.21 लाख रुपीस में खरीद सकते हो। अगली कमी की बात करूँ तो ये कमी बहुत सारे लोगों को निराश कर चुकी है। काफ़ी लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो स्विफ्ट का फेसलिफ्ट वर्जन आएगा उसमें लुक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन स्विफ्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। उन्होंने सिर्फ एक ग्रिल को थोड़ा चेंज किया है, तो इस चीज़ पे मारुति ने ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी कार के डिज़ाइन को लेकर वो चीज़ यहाँ पे नहीं की गई। अब बात करते हैं अगली कमी की, जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि है सेफ्टी। स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी पुअर है और इस चीज़ का एहसास आपको कभी ना कभी हो ही जाएगा जब भी आप इस कार को हल्का सा भी कहीं टच करोगे। इस कार में आपको सिर्फ दो ही एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। अगर इस लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया जाता, मतलब एक्स्ट्रा एयरबैग्स दिए जाते, तो हो सकता था ये सेफ्टी में थोड़ी और अच्छी होती। लेकिन सेफ्टी को लेकर मारुति को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, मेरे को सेफ्टी के बाद एक और चीज़ ध्यान में आई है, वो है मारुति का इंटीरियर। जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का इंटीरियर है वो आपको सेम पिछले वाले मॉडल जैसा ही मिलता है। इंटीरियर में कुछ भी बदलाव नहीं किए गए, सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाकी जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट आपको पुराने मॉडल जैसा ही मिलता है। और डुअल टोन थीम या फिर और कोई चीज़ इसमें ऑफर नहीं की जाती। अब बात करते हैं आपको न्यू स्विफ्ट खरीदनी चाहिए या नहीं, इस कार को खरीदना वर्थ है या फिर आप बलेनो के साथ जा सकते हैं। तो बलेनो में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चन पूछते हो कि स्विफ्ट खरीदे या ना खरीदे, तो हाँ दोस्तों, आप इस कार को बिल्कुल खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एक स्मूथ इंजन के साथ अच्छी रीसेल वैल्यू और एक कम मेंटेनेंस वाली कार मिल जाती है। और इस कार में जो फीचर्स है वो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है, बाकी आपकी चॉइस है। आप मेरे चैनल पर जाकर बाकी कार्स की भी काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know.